यहाँ चप्पल चढ़ने पे चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। यहाँ तो सूट बूट वाला नहीं चढ़ पा रहा है माननीय प्रधानमंत्री। दरभंगा एम्स मामले में पूर्व मंत्री फातमी ने कहा बिहार में विकास नहीं करना चाहती है केंद्र सरकार। दरभंगा के लहरिया सराय स्थित खालसा सराय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सौ जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने निवास स्थल पर प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार सरकार को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने जातीय गणना करवाया। लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि बिहार में कितने आदिवासी हैं, दलितों की संख्या बढ़ी है, अति पिछड़ा इंक्लूडिंग मुस्लिम और सभी जातियों में उछाल है। जातीय गणना से सभी जाति के लोगों को अब लाभ मिलेगा। वहीं फातमी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कोई भी यात्रियों की सुविधा नहीं है, ना तो एयरपोर्ट पर रात में प्लेन लैंड कर सकता है, टिकट भी काफी महंगा है, 5,000, 10,000, 20,000 और इससे भी अधिक पर्व त्योहार के समय में टिकट का दाम बढ़ जाता है। मोदी सरकार ने यह दावा किया था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल यहां स्थिति ऐसी है कि सब सूट बूट वाले भी दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने और बलेनों की संख्या के साथ अनेक कंपनियों की फ्लाइट एयरपोर्ट से शुरू करने की मांग की। दिन रात और मौसम में दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतर सके इसके लिए नाइट विजन की व्यवस्था भी की जाए, जिससे रात के समय और खराब से खराब मौसम में भी हवाई जहाज दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। वही मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दरभंगा एम्स पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दरभंगा में एम्स बने, हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर केंद्र सरकार भी तैयार है और यह कहती है कि दरभंगा के सोमन में एम्स बनाएंगे तो केंद्र की सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को NOC दे। हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार 6 महीने के अंदर मिट्टी भराई का काम कर और भी ज्यादा तमाम सुविधा है सभी व्यवस्थाओं के साथ हैंडओवर जमीन कर देंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार अगर चाहती है एम्स बनाना तो वह सबसे पहले NOC देने का काम करे, तभी आगे यहां कोई काम शुरू हो सकेगा। वो कहते हैं नहीं करेंगे। ये खेल किस तरफ से हुआ है, बिहार सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से? आप समझिए टाइम बताया जाए कब तक भर के दीजिएगा। आप बता दीजिए आपको 6 महीने में भर के दे दिया जाएगा। मंत्री भारत सरकार के हैं जल्दी दे देना चाहिए, हम रोकना है इसलिए मैंने NOC दे दिया तो मिट्टी भर के कब दोगे बताओ। में मंत्री विधायक सांसद आज खड़े हैं जमकर। अगर 30 फीट अगर गड्ढा हो वहां पर ना तो क्या कर 30 फीट ना पाया जाकर ठाकुर का बयान है। ठाकुर तो कुछ भी बोलते बेचारे फेल हो गए। एम्स बनाना है, आप जिस तरह बैटिंग कर रहे थे कि सोमन में एम्स बने, अब आप ही के खेमे में आगे बैटिंग कर रहे हैं। सोमन क्या है वो आप लोग बोल सी दे, वो बोल रहे हैं पहले मिट्टी भरा दे, अब जनता यहाँ फंस रही है कि अच्छा, काम कैसे हो जाते हैं। दिया 2000। अब ऐसा क्या हो गया कि वो चाह रही है कि यहाँ एम्स ना बने दरभंगा? सरकार ने सोचेगी है आप लोगों के फिलहाल अभी जो गठबंधन है उस पे क्या नहीं देना चाह रहे हैं? 200 करोड़ से बिहार सरकार बना रही है 2500 बेड का हॉस्पिटल। तो क्या क्रेडिट का कोई चक्कर है क्या? कोई नहीं, क्रेडिट की क्या बात, ये तो सुविधा है, ये अधिकार है बिहार का, बिहार पर कोई एहसान नहीं है। सवाल ये है भाई, दो इतनी बड़ी 13 करोड़ की आबादी में 13-14 करोड़ के बीच एम्स बने और तीसरा एयरपोर्ट बने कायदे से पटना और गया के बाद दरभंगा डेवलप हो जाए। कितने कितने एयरपोर्ट है छोटे छोटे स्टेट। चर्चा ये है जाते रहते हैं लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है कि चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों मिलकर जनता के साथ कहीं ना कहीं मजाक कर रही है एम्स को लेकर के, दोनों को जनता के हित की परवाह नहीं है, दोनों क्रेडिट लेना चाहते हैं, ऐसी चर्चा है। ये आप ये वो बोल रहे हैं कि जमीन तो मिल गया ये बनाना नहीं चाहते। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा।
नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023 अमाउंट 95,000 दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस 10 नवंबर 2023 अमाउंट 95,000 दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस 20 दिसंबर 2023 अमाउंट 95,000 दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस 15 जनवरी 2024 अमाउंट 95,000 दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट उमरा वीजा होटल इंश्योरेंस फूड राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन बाय बस जियारत जमजम लॉन्ड्री डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पासपोर्ट तो पासपोर्ट साइज फोटो पैन कार्ड इस बार हज उमरा का प्रोग्राम यह है 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए 16 सितंबर को वापसी होगी 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें खाने से लेके लॉन्ड्री इंश्योरेंस ज्यारत मक्के की मदीने की सब इंक्लूड है इसके अंदर कहां कहां से लोग इसमें आते हैं जिनको पूरे बिहार से हमारे पास है किशनगंज अररिया कटिहार सीतामढ़ी पूर्णिया सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये 15 साल हमारा हुआ ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारे और साथ में हम खुद जाते हैं सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं इसमें किसी को इन्वॉल्व